नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल भोपाल से, लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत अनकॉमन टॉपिक, स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हम जब भी बात करते हैं, एक्टोपिक का अर्थ होता है यूट्रस के अलावा कहीं और प्रेगनेंसी का ठहरना। जब भी प्रेगनेंसी यूट्रस के अलावा कहीं और भी ठहरती है, जैसे जैसे ये बढ़ती है तो जिस भी ऑर्गेन में ये ठहरी है वो फटता है और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू होती है। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। पहला जो यूट्रस के ऊपर टांका है उसके ऊपर यह प्रेगनेंसी ठहरती है और जैसे जैसे ग्रो करती है यूट्रस का टांका खुलता है और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू होती है। यूट्रस के ऊपर टांका किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, कि पहले आपका ऑपरेशन हुआ हो डिलीवरी के लिए, पहले आपका कोई गठान निकालने का ऑपरेशन हुआ है जिसका कि हम माइमेक्टमी बोलते हैं, या फिर डीएनसी की वजह से कोई एक एरिया बहुत पतला हो गया हो। ऐसी जगह पे प्रेगनेंसी जब भी ठहरती है तो इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें पता कैसे चलता है? पेशेंट को मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई सिम्टम्स, कोई भी लक्षण नहीं होते। कुछ महिलाओं को हल्का सा खून के छींटे या फिर खिंचाव वाला दर्द हो सकता है, लेकिन जब वो पहली सोनोग्राफी, जो कि यूजली 6 से 7 हफ्ते के बीच में होती है, तब रेडियोलॉजिस्ट, हमारे सोनोग्राफी वाले जो डॉक्टर हैं, वो बताते हैं कि प्रेगनेंसी जो ठहरी है वो टांकों के ऊपर ठहरी है, आधी यूट्रस के अंदर है, आधी यूट्रस के बाहर है, और उसके अराउंड ब्लड सप्लाई इतनी है और कितनी हमारी इमरजेंसी कि हमें तुरंत ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़े। जब भी हमें स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता चलता है तो दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। पहला कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सैक के अंदर इंजेक्शन दें, जिसको कि हम मिथोट्रेक्सेट इंजेक्शन बोलते हैं। यह प्रेगनेंसी को घोलता है और यूजली ये घोलने का समय 2 से 3 महीने के बीच का होता है। इसको हम मॉनिटर करते हैं सोनोग्राफी के माध्यम से कि साइज़ कम हो रहा है कि नहीं, और बीटा एससीजी टेस्ट ये कम हो रहा है कि नहीं। दूसरा ट्रीटमेंट होता है सर्जरी, जिसमें कि हम बच्चेदानी के अराउंड जो प्रेगनेंसी है उसको निकालते हैं और उसको निकाल के वो जो एरिया है उसको सिल देते हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर बोलें तो ये एक छोटे डिलीवरी के ऑपरेशन जैसा ही है, लेकिन ये लैप्रोस्कोपी के माध्यम से होगा, दूरबीन के माध्यम से होगा, जिससे कि आपको पेन कम हो, रिकवरी, आपकी पोस्ट ऑप रिकवरी अच्छी हो और आपको आगे चल के प्रेगनेंसी ठहरने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और भी 2 या 3 तरह के इलाज मेंशन किए हुए हैं, जिसमें एक केसीएल इंजेक्शन भी डालना है और दूसरा हिस्ट्रोस्कोपी के माध्यम से सैक को अंदर पंक्चर कर देना है, लेकिन ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर। अगर आपको एक स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी पता चली है तो आप तुरंत ही आज ही एक लैप्रोस्कोपिक एक्सपर्ट से संपर्क करें, जिससे आपका समय रहते बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट हो पाए। थैंक यू।